जी के मंदिर के प्रांगण में उपस्थित सभी भक्तों को वे आवाज को सुनती हुई गंगा के समान मेरी मात्र शक्ति वे यहाँ मंच पर बैठे हुए सभी सीनियर कलाकार गण सभी श्रोता गणों को आपकी बेटी प्रियंका चौधरी की तरफ से हाथ जोड़ करके जय बाबा की जय राधे कृष्ण। आइए हम सभी बाबा जी के चरणों में बैठे हैं, बाबा जी के मंदिर में बैठे हैं, तो हम सभी का ये फर्ज बनता है कि हम बाबा जी का एक दो जयकारा लगाएं। तो आइए भाव के साथ एक मीठा सा जयकारा बोलिए, सच्चे दरबार की जय, बोलिए चरणदास महाराज की जय। आइए एक मेरा छोटा सा भजन बाबा जी के चरणों में समर्पित, और आइए इस भजन के द्वारा क्या बताया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कि जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय चोर। और एक छोटा सा जयकारा मेरे लड्डू गोपाल का भी लगाइए, बोलिए बाकी बिहारी लाल की। आइए श्रोताओं, कहते हैं कि यहाँ बाबा जी के चरणों में हरी चरणों में जो भी आता है उसके मन में हजारों होप्स होते हैं, हजारों आशाएं होती हैं, हजारों इच्छाएं होती हैं। हम सभी कुछ ना कुछ कामना लेके आए हैं, आए हो कि नहीं? क्योंकि हम सब इतने सेल्फिश हो गए कि निष्काम तो कोई पूजा कर ही नहीं सकता, सब सेल्फिश है। तो इसीलिए कहते हैं कि बाबा कि कोई कहता है कि महल बनवाऊंगा मैं, और कोई कहता है कि शहनशाह बन जाऊंगा मैं, और देखो पर कोई न जाने पर कोई न जाने कि क्या इस जीवन की औकात है। अरे चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। और देखो आज हम सब सोचते हैं कि उसके पास हमसे ज्यादा पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ उसके पास ज्यादा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? कोई कवि कहते हैं कि कोई इंसान कि कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, और बहाना इस आदमी का है कि देने वाला वो होता है, कि जब देने पर आ जाए तो कि जब देने पर आ जाए तो ढेरों पे ढेर लगा देता है, और जब लेने पर आ जाए तो ये चमड़ी भी उधेड़ लेता है। ये इस जीवन की सच्चाई है, जब तक भागना है भागते रहिए, लेकिन जब उसकी मार पड़ेगी तो कोई नहीं बचा सकता। आज
क्योंकि कलयुग है तो कहते हैं कि गौ माता और बेटियां इस जमाने में सबसे ज्यादा दुखी हैं। वैसे तो हमारे यूपी के सीएम सर ने पूरा इंतजाम किया है कि गौ माता को ना काटा जाए, लेकिन आज वही गौ माता धरती माता के रूप में भगवान को पुकार रही है। आइए भाव के साथ एक गौ माता के चरणों में ये भजन समर्पित, बोलिए गौ माता की ओ कन्हैया ओ जरा दर्श दिखा उतरी गैया तुझी पुकारे कन्हैया दर्श दिखा दे रे कन्हैया दर्श दिखा दे दौड़ा चला आया। और इसीलिए गौ माता कहती है प्यारे द्रौपद की तन लाज बचाई चीर बढ़ा के कला दिखाई द्रौपद की तन लाज बचाई चीर बढ़ा के कला दिखाई द्रौपद की तन लाज बचाई चीर बढ़ा के कला दिखाई द्रौपद की तन लाज बचाई चीर बढ़ा के कला दिखाई का भात भरा था
जाता है और इस पाप की लिमिटेशन खत्म हो जाती है तब तब भगवान किसी ना किसी रूप में अवतार लेते हैं। और कलयुग में भी ये बात श्रीमद् भागवत गीता भी कहती है कि भगवान इस कलयुग में अवतार लेंगे, लेकिन जब जब सारी सीमाएं खत्म हो लेंगी, पाप घोर अत्याचार होने लगेगा। और रामायण भी कहती है, कहती है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महा अभिमानी, तब तब होए, कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महा अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे हैं कृपा निध सज्जन पीरा। और कलयुग में अवतार लेंगे भगवान। आगे भगवान को बुलाया और कहते प्यारे, हो ज्यादा पाप धरण पे बढ़ रहा, पापी आज शिखर पे चढ़ रहा, ज्यादा पाप धरण पे बढ़ रहा, पापी आज शिखर पे चढ़ रहा, ज्यादा पाप धरण पे बढ़ गया, पापी आज शिखर पे चढ़ गया, ज्यादा पाप धरण पे बढ़ गया, पापी आज शिखर पे चढ़ गया। केवल राम का नाम काफी है। और इसीलिए कहा, तू कलयुग में फिर से आ जा, गौ माता की जान बचा जा, तू कलयुग में फिर से आ जा, गौ माता की जान बचा जा, तू कलयुग में फिर से आ जा, प्रियंका का मान बढ़ा जा, तू कलयुग में फिर से आ जा, प्रियंका का मान बढ़ा जा। Yeah.